सऊदी अरब में तो बहुत कुछ लोग करते हैं, वो अपने मसलक के मुताबिक चलते हैं। दीन जो है ना, वो ना सऊदीया में ना इंडिया में, कहीं वो पहुंच गया अल्लाह के रसूल का दीन सारी दुनिया को। इसलिए वहाँ क्या होता क्या नहीं होता, जिसकी हुकूमत आ जाती वो अपना मसलक राज कर रहे। अब हम भी हैं वहाँ, 20 तरावी तो आपने देखी, मगर साथ ही देखा जब वितर की बारी आती है, दो अलग पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, एक रकत अलग पढ़ते हैं। अब ये हमारे हनफी इतराज इसको गलत समझते हैं कि इकट्ठे एक सलाम से पढ़ने चाहिए। अगर उस वक्त हवाला दिया जाए कि 20 रकतों के लिए तो हरम की तरफ जाते हो, वितर भी उस तरह पढ़ना शुरू करो, तो यही कहेंगे नहीं जी हम हरम को क्या करें, हम तो दरीफ देखेंगे। तो असल में बात यही है भाई कि दीन रसूलल्लाह का सिर्फ हरम में नहीं रहा, वो जो कुछ आपने किया था लिखा पढ़ा गया, मशरक मगरब में हर शख्स के पास है, वो परखा भी गया कि उसमें ज़ईफ क्या सही क्या। तो सारे उलमा एक नहीं सारे फिरकों के, मैं बिल्कुल अला वजल बसीरत अल्लाह को सामने रखकर कह रहा हूँ, मानते हैं कि रसूलल्लाह ने 8 रकतों से ज्यादा कभी नहीं पढ़ी, और ये भी मानते हैं कि हजरत उमर रज़ी ने जब हुक्म दिया था पहले 8 रकतों का दिया था। बाकी इसके साथ ये भी ठीक है कि उनके दौर में ही लोगों ने अपने तौर पर तरीके समझ के कि इतना लंबा क्याम 100-100 आते हैं ठहर ठहर कर पढ़ना, लाठियों का सहारा लेते थे, खून उतर आता तो उन्होंने कहा यार नफलों का मामला ये कोई फर्ज है कि बढ़ाए गिटाए नहीं जा सकते, रकतें बढ़ा दो, आयात की तादाद एक रकत में कम कर दो, आसानी से रुकू सुजू से ना टांगों को आराम मिल जाए, कोई बुरी बात नहीं थी। फिर आगे चल पड़े, 20 पर नहीं रुके, ये तो जिसका जी चाहता है एक बार पर जम देता ना। मस्जिद नबवी में ही फिर कई मुद्दत तक 36 का आना होता रहा अमल, हजरत इमाम मालिक ने इसीलिए 36 को पसंद किया कि मैं मस्जिद नबी में देखता हूँ 36 हो रही हैं, 3 वितर हैं, वो भी अलग अलग दो रखते हैं अलग, एक इमाम मालिक उस पर होगा, इमाम शाफी ने देखा मक्का मुजमा 20 हो रही है उसको लेगा, इमाम अहमद रहमतुल्लाह का तिरमिज़ी में देखा उन्होंने कहा इस बारे में कोई बात नहीं, कोई कह सकता कोई तादाद मुतय्यन नहीं, जितना जिसका जी चाहे पढ़े। अब जो शख्स रसूलल्लाह का तरीका अपनाए कि 8 पढ़े लंबी पढ़े ठहर ठहर, जाहिर बात है हजूर के तरीका के बराबर तो किसी का तरीका नहीं हो सकता। जो सहाबा का तरीका लेगा उसको 20 रकत अगर वो पढ़ता 36 पढ़ता है, इससे ज्यादा भी नेक लोगों पढ़ी हम बुरा नहीं कहेंगे, मगर साथ ये भी जरूरी है कि वो उस तरह पढ़े जैसे अल्लाह रसूल ने साहबा ने बताया, ठहर ठहर कर कुरान मजीद ही ठहर कर पढ़े, बेशक थोड़ा पढ़े, जैसे पढ़ रहे हैं आप खुद इंसाफ से कहें अल्लाह को सामने रखकर कि इस पर सवाब मिलेगा, या जैसे हजूर ने 3 मरतबा एक आदमी को कहा था जा जाकर दोबारा नमाज पढ़, तूने नहीं पढ़ी। जो हाल है मस्जिदों में किस तरह कतर कतर कर कुरान पढ़ते हैं, इससे तो अंदेशा है कहीं अजाब ना हो जाए। तो पढ़नी जितनी जी चाहे पढ़े, मगर सुकून से तादील अरकान से खुशू खुशू से पढ़े, फिर तो कोई बात नहीं सारी रात भी है। वरना अगर सिर्फ तादाद पूरी करनी है और वो 8 छोड़कर 4 के बराबर भी नहीं तो क्या फायदा, ये बहसो मुजादरा की बात नहीं। जो भी नफले बात की जाए वो शौक से की जाए, प्यार और मोहब्बत से की जाए, जिसको अल्लाह कबूल। अब मेरे भाई बताए नहीं, मकसद ये है पूछने का कि मस्जिद नबवी में कितनी रकतें पढ़ते हैं। मस्जिद नबवी में भी अब उतनी है क्योंकि हमारी हुकूमत ना 20 ही वहाँ 20 उसने का, मगर जब इमाम मालिक ने होश संभाली थी पहली सदी में, उस वक्त उन्होंने देखा कि यजीद के दौर से भी पहले से वाकया हरा से कबर से 36 रकतें मस्जिद नबवी में हो रही, यानी हजूर के बाद 50 साल भी नहीं गुजरे थे कि मस्जिद नबी में 36 शुरू हो गई। अब इमामों ने यही किया, जिसने अपने शहर में 36 देखी उसने 36 को कहा कि यही ठीक है। बाकी खुद इमाम मालिक का देखें फतवा और एहतियात, उन्होंने कहा लोग जितनी जी चाहे पढ़ते रहे मैं वही पढ़ूंगा जो रसूलल्लाह ने पढ़ी, और जिस पर हजरत उमर ने लोगों को जमा किया था 8 रकत, वो अकेले घर में 8 ही पढ़ते थे। इसलिए अब भी जो दीवाना है हजूर की पैरवी का, जैसे शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस जरी रहमतुल्लाह फतर मन्नान में लिखते हैं हनफी होते हुए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाना में भी सरम में से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा हम नहीं रखते देखेंगे, हम नबी अलैहिस्सलाम का उस्वा देखेंगे, वो 11 ही पढ़ते थे 3 वितर और 8 रखते। इसलिए बात तब मियां मोहब्बत किया कि जिसको हजूर से मोहब्बत हो कहता मैं रखते नहीं गिनूंगा किसकी ज्यादा नहीं, मेरे आका का जो तरीका मैं उसको पसंद करूँ। ये मौलाना नाम यारखां गुजराती रहमतुल्लाह ने जो बंदियों ने सबने माना है कि हजूर ने बाकी 8 ही रखने पड़ी, बस बात आप मैंने समझा दी, अगर इसके हवाले दरकार होंगे तो कभी तशरीफ लाए निकाल कर बड़े देवबंदी सबका दिखा देंगे कि मानते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ से नहीं, ये तो बात ठीक है ना जी, ये हम कहते हैं ना सऊदी अरब वाले के हम किताब सुनने के दाई हैं, नहीं नहीं वो नहीं ये कहते, ये हम कहते हैं सऊदी अरब के लोग चूंकि वहां की हुकूमत शिरक के बारे में तौहीद के वो भी हमारी तरह कायल है दिल के मुखारिफ, ये चीजें तो थोड़ी बहुत मिलती हैं, मगर फिका में आपको पता होना चाहिए ना उनका अदालतें सारी वो फिके हम नहीं, उनको नहीं पता कि सुन्नत जो है वो अच्छा भी है नहीं, ये यहाँ के लोगों को नहीं पता, जब मैंने बता दिया सुन्नत सबको पता लिखते हैं मगर करते ही।
जब एक रिवाज चल पड़ता है ना, लोग उसके आदि हो जाते हैं भाई, उसको छोड़ना, उससे टक्कर लेना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। लोग गले पड़ जाते हैं कि तुमने ये क्या किया। अब ये तो दलेरी कोई करे भाई, दलील देखनी तो भाई देखो मैं तो वो करूंगा जो, फिर तो बात बने। आप बात दलील की करे ना, लोगों का छोड़े कि वो क्या समझते हैं क्या नहीं। अगर आप सही बुखारी शरीफ पढ़े तो पहले जमाने में खुद हजरत उस्मान रज़ी के मन बाद इत्माम तकबीर पढ़े, अल्लाह अकबर ही सारे खत्म होगा जनवाद से, सिवाय अल्लाह अकबर पहले के इमाम झुकता जाता था, लोग देखकर झुकते जाते। यहां तक नौबत पहुंची कि सही बुखारी शरीफ में आता, हरम की बात सुन रहे हैं, हजरत उस्मान रज़ी का जमाना, कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी के गुलाम ने नमाज पढ़ी अबू हुरैरा रज़ी के पीछे मस्जिद हराम में मकाम इब्राहिम के पास, चार रकअत नमाज थी, उन्होंने सुन्नत के मुताबिक 22 अल्लाह अकबर कहे नीचे ऊपर उठते। अब गुलाम जाकर कहता दीन इस तरह मिट गया, उन्होंने इब्ने अब्बास से जाकर कहा कि इस बुढ़े अहमद को देखो ये अल्लाह अकबर कहता। आपने कहा तेरी मां तुझे रोए सुन्नत अबिल कासिम, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इसलिए लोग जो करते हैं ना इसको हम देखते रहेंगे, दीन ही बचेगी, दीन सिर्फ अल्लाह के रसूल का, जो शुक्र है कि वो अरबों की जागीर नहीं था, सब तक पहुंच गया, लिखा गया, हर शख्स अपनी आंखों से पढ़ सकता कि आपने क्या किया और क्या बताया। अब लोग क्या करते हैं वो भुगते रहे। हजरत अली रज़ी ने जाकर बसरा में नमाज पढ़ाई जंगे जमल के बाद, वो भी सही बुखारी में, तो एक सहाबी हजरत इमरान निकले और एक आदमी का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था, उससे हजरत इमरान ने कहा कि आज इस शख्स ने हमें वो नमाज पढ़ाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको हम भूल गए थे या जान भूल कर छोड़ दिया था। बात यही थी कि उन्होंने अल्लाह अकबर सारे कहे, आप भी शुक्र है कि आप कह रहे हैं। अगर वही सुन्नत चलती आती जैसे तरावी थे, यही था कि हजरत उस्मान के जमाने से ये तकलीरें खत्म हो गई हैं, अल्लाह अकबर हरम में पढ़ने वाले कहने लगे कि ये बुढ़ा है, मैं कह दर था बुरा, तो अल्लाह के बंदो छोड़े बातों को कि कौन क्या करता रहा और हरम में क्या होता रहा। अल्लाह के रसूल का जो लिखा हुआ ना वो सारी दुनिया तक पहुंच गया। आप वो किताबें निकालें, फिर कोई बात हमारी बात के खिलाफ आए ना उसका मेरे भाई हवाला दिया करें कि रसूल्ला ने तो ये फरमाया, आप यार क्या कहते हैं, फिर हम आपके शुक्रगुजार होंगे, बहुत एहसान मंद होंगे। अगर रसूल्ला को नजरअंदाज करके आप इधर उधर की बातें करेंगे तो मेरा ख्याल नहीं कि आप भी साहिब ईमान होते, हम भी हजूर के पास किसी को समझ सकते हैं, कोई खलीफा हो या कोई नबी, नबी है उम्मती उम्मती है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपके कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीन रहमान बोल रहा हूँ कुवार से जी। सवाल ये था कि नमाज तरावी जो रमजान के साथ मखसूस है, ये तब से मखसूस है नमाज के साथ, इसके अलावा नहीं पढ़ी जा सकती भाई? ये लफ्जी जो है ना तरावी, ये ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला ना किसी सहाबी ने कहा। अच्छा, बहुत देर बाद जब ये नमाज शुरू हुई फिर थक जाते थे दरमियान में, थोड़ा थोड़ा आराम करने लगे, तरवीहा और राहत करना, उस वजह से इसका नाम लोगों ने खुद ही रख लिया सलातुत तरावी। सलातुत तरावी कोई नमाज नहीं जो रमजान से मखसूस है, तहज्जुद की नमाज है जो सारा साल रसूल महाब अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, 11 रकअतें थी, पिछला वक्त होता था, बाकी वो रसूल उम्मत की सहूलत के लिए कभी कभी वही था जो दिशा के साथ भी पढ़ लेते थे, कभी दरमियानी रात में भी पढ़ते, ज्यादा पिछले हिस्से में पढ़ते। अब भी रमजान के साथ मखसूस नहीं है? नहीं, वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा आदमी ने कि रमजान में हजूर क्या नमाज पढ़ते थे, अगर मखसूस होती तो अलग जिक्र करते, उन्होंने कहा बच्चे क्या तू पूछता, अगर रमजान होता था या गैर रमजान, हजूर 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो कोई अलग नमाज नहीं, वही नमाज है। रब भी जो बंदियों के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह, वो इस पर रिसाले में लिखते हैं कि अहले इल्म से ये बात पोशीदा नहीं है कि ये क़याम रमजान और तहज्जुद एक ही है, और कहते हैं अब भी अजीमत इसी में है, जवाब मर्जी और दलेरी का काम यही है कि आदमी तहज्जुद पढ़े। ये सिर्फ आम लोगों की सहूलत के लिए होगा, अगर वो पिछले वक्त नहीं पढ़ सकते तो चूंकि ईशा के बाद क़यामुल लैल का वक्त शुरू हो जाता है सारा साल भी, अगर कोई पहले वक्त नहीं पढ़ रहा है, लामा शामी कहते हैं ईशा के साथ ही 11 रकअतें पढ़ लिया करे रोज ही सारा साल, तो क़यामुल लैल तो उसको मिल जाएगा, वो जो पिछले हिस्सा में जागने का अलग सवाब था बहुत ज्यादा उससे महरूम रह जाएगा। नमाज ये कोई अलग नहीं, वही रखते हैं, वही नमाज है, वही वक्त है ईशा से लेकर फजर तक, और पिछले हिस्सा में पढ़ा जाए तो जैसे हजरत उमर ने खुद कहा कि लोगों ठीक है ये अच्छी बेहद एक अच्छा इंतजाम मैंने कर दिया, मगर वल्ला की ये नामून के पिछला हिस्सा जो है वो इससे कहीं असर लोगों को बात यही बात बताए वो तो गले को पढ़ते हैं हम क्या करें? नहीं गले को पढ़ते हैं तो ये बदकिस्मती है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने हुज्जतुल बालगा में जब लिखा है कि साहबा ने ये जमात शुरू कर दी, मस्जिद ने कर दी, अवर वक्त कर दी, उसके साथ ही लिखा है कि इसके साथ साथ वो साहबा इकराम रज़ी ये भी लोगों को बताते थे कि आखिर हिस्सा रात में इसका पढ़ना अफजल है। खुद पढ़ा खुद पढ़ा
اور بالکل یہ علامہ شامی کی جو رد المختار ہے سب سے بڑی حنفی مسلک کی زمانہ میں کتاب جی اس میں انہوں نے علامہ قاسم کے حوالے سے لکھا, وہ کہتے ہیں یار یہ قیام اللیل ہے اس لیے افضل وقت اس کا جو ہے وہ پچھلا ہی ہے جی, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. صرف ایک تو لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ پچھلے وقت کیا اٹھنا ہے, شہری بھی بڑی مشکل سے اونگتے ہوئے کھاتے ہیں صبح سو جاتے ہیں, انہوں نے جان چھڑائی کہ پہلے وقت جیسے تیسے ختم کرو. اور کچھ حافظ حضرات نے اپنا ڈھونگ رچایا کہ ہمیں کچھ آمدنی ہو جاتی ہے, ورنہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنے رشت کہتے ہیں جمہور امت متفق ہے کہ اصل نماز قیام رمضان کی رسول اللہ کی نماز ہے پچھلے حصے رات کے میں پڑھ ہوتا ہے. لیکن وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے جب پوچھا کہ امام کے ساتھ پڑھے, انہوں نے کہا کچھ یاد ہے قرآن, اس نے کہا ہاں کچھ سوچنے, تو یہ لفظ کیا انہوں نے جو اگر ہم کہیں شاید گولی مار دیں کہ گدا بن کر امام کے پیچھے خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلا پڑھ اور اپنا قرآن پڑھ اور چلے جاتے تھے کبھی بھی سامنے حضرت عمر نہیں ہوتے. بہت شکریہ, بات تو یہی ہے کہ تحجد ہے اصل نماز. اللہ فضل.